दिव्यंद मंडल सेफ स्टॉक ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट से। मैंने जो रेगुलर व्यू देता हूँ तो उसको मंडे के लिए जो व्यू दे रहा था तो उसी को पार्ट वन का कंप्लीट हो गया था। इसका पार्ट टू में और भी थोड़ा सा कुछ दिखाऊंगा। तो ये देखिए, इस ये स्टॉक तो आपको दिखा दिया, इसका बाय सेल लेवल सिग्नल। और इसको देखिए, और भी आप लोग देख सकते हैं इधर इंटरडे का हिसाब से देखिए, पिवट पॉइंट और आर वन के बीच में है। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, ये कन्वेंशनल पिवट पॉइंट आर वन आप लोग चार्ट में देख के लगा सकते हैं, कोई भी लेवल आपको नहीं आएगा। अकाउंट में ये थोड़ा सा दूसरे टाइप का कैलकुलेशन का किया गया है स्टैटिस्टिकल, तो वो पिवट पॉइंट इंडिकेटर लगा के आप लोग को नहीं आएगा। और फिबोनाची लेवल भी आप लोग देख सकते हैं। और इंटरडे के हिसाब से देखिए, ये तीनों ये पिवट पॉइंट और आरवान के बीच में है। इसमें कॉमन कौन सा आ रहा है देख लीजिए। ये भी स्विंग ट्रेडिंग के मतलब 5 डेज हिसाब का हिसाब से ये आ रहा है। ये पोजिशनल ट्रेडिंग मतलब 15 डेज का हिसाब से आ रहा है। और ये 30 डेज का हिसाब से ये आ रहा है। और देखना नहीं चाहिए क्योंकि 52 वीक ज़्यादा हो जाएगा लॉन्ग टर्म देखेंगे तो इसको और भी आप लोग स्क्रीन कर ले सकते हैं। इसको भी स्क्रीन कर सकता है, इसका ट्रेंड देख लीजिए, ज़्यादा स्क्रीन करने का कोई मतलब नहीं रखता। देखिए, हम लोग थोड़ा बहुत सभी ने चार्ट एनालिसिस कर लेते हैं, कोई अच्छा करता है, कोई थोड़ा सा नॉलेज कम होता है तो कम कर पाता है, ठीक है। लेकिन हम लोग का ट्रेडिंग करने का मकसद ये है कि मार्केट से कुछ प्रॉफिट कमाना। सो कुछ भी हो तो अच्छा ट्रेडर होने का कोई मतलब नहीं है, तो मतलब ये है हम लोग को प्रॉफिट कमाना। तो आप लोग इधर से ट्रेंड 100% सही पकड़ पाएगा। और इसका जो लेवल मैं दूंगा, लेवल जो आता है, मैं जो कैलकुलेशन करके निकला हूँ, तो उसको भी आप लोग लेवल, ये जो लेवल आप कोई भी टाइम फ्रेम में आप लोग देख सकते हैं, तो ये लेवल सही जाएगा तो आप लोग को प्रॉफिट ही दे जाएगा। तो हम लोग को गुड ट्रेडर से मतलब गुड चार्ट एनालिसिस्ट और गुड एनालिसिस से गुड ट्रेडर होना में हम लोग का लक्ष्य होना चाहिए। तो ये लक्ष्य ये आप लोग को फुलफिल कर सकता है। धन्यवाद।